सुप्रभात विद्यार्थी, आज मैं आप लोगों को संधि पढ़ाने जा रहा हूं। ध्यान देंगे, आपको इसकी जानकारी देने से पहले बता दें कि जब हम शब्द निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ किए थे तो उसमें बताए थे कि शब्द निर्माण चार प्रक्रियाओं से होकर के गुजरता है। वो जो है उसमें संधि का भी एक स्थान है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। तो समास का भी इसमें स्थान है जो शब्द निर्माण की क्रिया को प्रारंभ करता है। आज मैं संधि बताने से पहले एक चीज और है उसे बता दूं, तब हम संधि बताना मेरा सार्थक होगा। आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे संधि संधि विच्छेद, आप लोग सुने होंगे वर्ण विच्छेद जिसे वर्ण विन्यास भी कहा जाता है। तो आपको सबसे पहले संधि न पढ़ाकर मैं वर्ण विन्यास के बारे में जानकारी दे दूं, क्योंकि संधि हम वर्ण विन्यास को जान लेंगे तो संधि जानने में आसानी होगी, वो कुछ ज्यादा नहीं सामान्य रूप में है। ध्यान देंगे, आप जब वर्ण पढ़ रहे थे तो वर्ण पढ़ने के क्रम में आपने पढ़ा था इस तरह से, क्या इसे हम टुकड़े में बांटते हैं तो मिलता है हमारे सामने फ, जोर, अ, जोर, ल, जोर, अ। विद्यार्थी, ये वर्ण विन्यास हुआ, वर्ण विच्छेद, वर्ण को टुकड़ों में बांट देना, अलग अलग कर देना, और ये प्रक्रिया वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद के नाम से जाना जाता है। ये वर्ण संयोजन हुआ, ये जुटा हुआ है, अगर जो हम ऐसे तो कहेंगे ये शब्द है, लेकिन जब हम जोड़ेंगे, जोड़ने का काम शुरू करते हैं कि अभी हम जोड़ रहे हैं, अभी कार्य चल रहा है, तो उस समय यही वर्ण संयोजन हो जाएगा, यानी हम वर्ण को जोड़ने का काम करेंगे तो वर्ण संयोजन, और शब्द को तोड़कर वर्णों में विभाजित करेंगे, वर्णों के रूप में देंगे, तब वही हो जाता है वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास। याद रखेंगे, ये हुआ वर्ण संयोजन और ये हुआ वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास। तो यही बात संधि में यदि होती तो ऐसी बात नहीं है, संधि में इस प्रक्रिया के रूप में नहीं मिलाया जाता है। इसकी प्रक्रिया में अंतर क्या होता है सो जान ले, इसमें और इसमें जब जोड़ते हैं तो कोई विशेष स्वरूप दिखलाई नहीं पड़ता है, कोई विशेष स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, जबकि संधि में विशेष स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें जोड़ दिए, क्या बना, फ जोर अ बराबर फ, ल जोर अ बराबर ल, इस तरह, और फिर इन दोनों को भी जोड़ दिए साथ में, फ और ल, पूरा शब्द तैयार हो गया। लेकिन संधि में इस तरह की बात नहीं होती, उसमें कुछ नया बन जाता है, कुछ नया तैयार हो जाता है। उदाहरण के लिए आप देखें तो अ जोर ई बराबर ए, ध्यान देंगे इसमें नयापन आ गया, इसमें नयापन आ गया। जब आप पढ़ते होंगे, सुने होंगे, तो उसके हिसाब से देव जोर इंद्र, देवेंद्र लिखते होंगे तो ध्यान देंगे इस तरह से आता है, और ये जो रूप होता है ये नयापन आता है, ये नया चीज बनती है। तो इसलिए हम इन बातों को ध्यान देंगे तब हम संधि को अच्छी तरह समझ पाएंगे। इसलिए वर्ण विन्यास को ध्यान से देख लें, और वर्ण जो पढ़ाए थे
उस वर्ण में संयुक्त वर्ण से लेकर के और जितने भी वर्ण हैं सारे वर्णों की ओर ध्यान देना है। मैं संयुक्त वर्ण का नाम इसलिए यहां पर लिया क्योंकि संयुक्त वर्ण आपको ज्यादा परेशान करेगा, इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान देंगे कि संयुक्त वर्ण में कौन कौन से आते हैं। जैसे लिखते हैं यज्ञ, अब यहां हम यदि इसको टुकड़ा करें तो क्या लिखेंगे, इसलिए यहां पर लिखेंगे य जोर अ ज जोर इय जोर इय। तो यहां पर तो आपको एक अक्षर दिखाई दे रहा है, तो बहुत सारे विद्यार्थी छोटे जो ध्यान नहीं देंगे तो उनको लिख देंगे य जोर अ जोर ज्ञ जो अ, तो वहां दिक्कत हो जाएगी। इसलिए संयुक्त व्यंजन पर ध्यान देंगे और वर्ण को जिस तरह लिखने की प्रक्रिया हमने बताई है, जैसे कहीं पर रेफ होता है या कहीं पर जो सो की ऊपर देखेंगे लिखा हुआ है दर्द लिखा हुआ है तो ऊपर रेफ रहता है, क्र नीचे रहता है, ये सारी चीजों पर भी ध्यान दे करके और तब लिखेंगे। इसलिए हमने वर्ण विन्यास शब्द का प्रयोग किया और उसे समझा रहे हैं। अब हम ये जान लेते हैं तब हम संधि पढ़ते हैं, क्योंकि संधि पढ़ते समय संधि तो पढ़ते ही इससे अलग होता ही है लेकिन कई बार इससे उसकी सहायता भी ली जाती है उसमें। तो अब हम जो पढ़ाएंगे तो फिर हम इस बात का ध्यान रखेंगे और ये पढ़ाते समय फिर हम इनकी सहायता लेंगे, इसलिए इन्हें भूलेंगे नहीं। तो चले हम पहले संधि की परिभाषा को ले लेते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ध्यान देंगे, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे ध्यान देंगे विद्यार्थी, लिखने से पहले मैं एक बात बता दूं, बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, देवजो इंद्र देवेंद्र, रमाजो ईश रमेश, इस संधि है। जी नहीं, संधि कौन है उसका ध्यान रखेंगे। मैं यहां आपको या किताबों में भी ये बात देती है सिर्फ, अब वो बेचारा समझा नहीं पाता है क्योंकि वो बोल तो नहीं सकता है वहां पे किताब में, इसलिए इस तरह के प्रयोग करते हैं। मैं उन्हें दिखाता हूं आप ध्यान देंगे, और इस रूप में जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं उस रूप में आप इसे ध्यान देंगे। जैसे मैं आप लिखेंगे अ जोर अ बराबर आ, जोर अ बराबर ग, जोर
ग बराबर ग विसर्ग जो म बराबर र। इसको अब लिखेंगे पीत जोर अंबर अंबर पीतांबर जो अंबर दिगंबर दिग जो गज बराबर दिग्गज ने जो मल बराबर निर्मल। ध्यान देंगे विद्यार्थी, अब आप लोग जानना चाहेंगे कि तो संधि कहते किसको है, उदाहरण हम किसको दें। उदाहरण में तो आप यही दे देंगे पीतांबर दिग जो अंबर दिगंबर। उदाहरण में तो कॉपी में तो लिखने के लिए है तो यही लिखेंगे, लेकिन आप इस बात का खूब अच्छी तरह से ध्यान दें, आप अपने बल पर इसे भी संधि कह सकते हैं। पहले परिभाषा सुन लें, मैं बार बार एक चीज आप लोगों को कहता हूं उस पर ध्यान देंगे। परिभाषा को पता और उदाहरण को उसका चित्र माने, और यदि दोनों चीज हमें मिल जाए तो उस व्यक्ति तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वैसे ही इसे जानने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी यदि दोनों मिल रहा हो तो। परिभाषा जो है वो कहती है कि विकार उत्पन्न होता है, विकार, इस विकार को ही संधि कहते हैं, किसी और को संधि नहीं कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि हम नहीं कहते हैं, दो वर्णों के मेल को तो शब्द कहेंगे, वो भी सार्थक होगा तब। दो वर्णों के मेल आप यदि सोचते हैं कि पीत और अंबर पीतांबर या अज और अ संधि हुआ, संधि हो गई तो संधि ऐसी बात नहीं है। संधि जब भी होगी ये होगी, क्योंकि मिलने पर जो बना, क्या बना, तो जो भी बना वही चीज संधि होगी, तीसरा कोई और नहीं। अब यहां देखें अ और अ क्या संधि है, नहीं, क्योंकि अभी मेल कर रहा है और मेल होने के बाद क्या निर्माण हुआ, तो आ, ये जो नया बना यही, इस नए को ही हम संधि कहेंगे। यहां ध्यान देंगे पीत जोर अंबर, अब यहां भी कहेंगे कि क्या मिलाए हैं, तो पीत और अंबर को नहीं मिलाए हैं, इसमें से जो वर्ण है उसे मिलाए हैं, हम तरीका कौन क्या अपनाते, तो यहां तरीका यही अपनाई गई, क्योंकि शब्दों का निर्माण कर रहे हैं तो शब्दों के निर्माण में वर्णों का संयोजन होता है। ध्यान रखेंगे शब्द तो दिखाई देते हैं लेकिन संयोजन जो होता है वो वर्णों का ही होता है, इसीलिए यहां पर ए तो और यहां से अ, ये दो वर्ण नजदीक में हैं और संपर्क इन्हीं दोनों का होता है, और ये दोनों मिल करके एक तीसरे वर्ण का निर्माण करते हैं। याद रखें तो इसमें भी ये क्या है, तो जो है व्यंजन वर्ण है, तो वास्तविक वर्ण को हम निकालते हैं। ध्यान देंगे यहां पर लिखित रूप में है अक्षर, लेकिन हम निकालते हैं उसमें से
वर्ण को जो हम उच्चारित करते हैं, और इसमें हम जानते हैं कि स्वर वर्ण मिला हुआ है, तो स्वर वर्ण को निकालिए और इधर भी स्वर वर्ण है, और इस तरह हम इसको निकाल करके आप क्या बनाते हैं नियम के अनुसार। तो अ इसमें से भी निकाल लिए अ, तो त क्या हो गया आधा हो गया, और इसमें से भी निकाल लिए अ तो यहां भी एक समाप्त हो गया, और इस तरह इसका रूप ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये तो आधा था, अब हम क्या करें तो इस दोनों को मिलाने के बाद ये बना, तो इस त में, इस त में हम आ अ को मिला देते, ध्यान रखेंगे त में हलंत लगा हुआ है, ये तो दिखाने के लिए आपको कर दिए, तो यहां अ जो निकल गया तो ये त आधा हो गया, और ये आधा हो गया तो ये आ इसमें आकर के मिल जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए, पढ़े हैं कि किसी भी व्यंजन वर्ण में जब स्वर वर्ण मिलता है तो उसे पूरा करता है, यहां भी हम क्या किया पूरा किया, तो त आधा है और इसमें मिला आ, तो इसलिए हो गया ता, और इस तरह हो गया पीतांबर। अब आप कहेंगे सर यहां अनुस्वार है और यहां अनुस्वार नहीं है, तो लीजिए आपके लिए हम ये भी कर लेते हैं, लिखकर इस तरह ये और वो दोनों को मिलाते हैं और मिला करके देख लें तो यहां भी सही और यहां भी सही। अब ध्यान देंगे क और अ, आप सामान्य रूप से जब वर्ण पढ़ते हैं तो वहां पर क में अ मिलाते हैं, और अभी भी पढ़े यहां त में आ मिलाया तो ता बना, तो उसी अनुसार से यहां भी बनना चाहिए था। तो ध्यान देंगे, मैंने इससे पहले आपको इसीलिए पढ़ाया वर्ण संयोजन, उसमें यहां पर वर्ण संयोजन हुआ है, संधि तो बन चुका, ये जो है ये संधि तो बन चुकी है, और यहां पर संयोजन किया गया यानी वर्ण संयोजन का नियम अपनाया गया। ध्यान देंगे उसमें फ जोर अ जोर बनाए थे, वैसे ही त में आ मिला तो ता बना, यानी यहां वर्ण संयोजन हुआ, इसको ले आकर के इसमें हम जोड़ दिए, और जब अलग था तो नियम संधि का था, तो संधि जो है वो संधि जो है वह अपना नियम मानता है और वर्ण संयोजन अपना नियम मानता है, तो यहां हम अभी संधि पढ़ रहे हैं न कि वर्ण संयोजन, यहां जो है ये संधि के नियम को अपना रहा है और यहां भी संधि का नियम अपना रहा था और यहां आकर के वर्ण संयोजन का नियम अपनाने लगा। तो जब हम संधि पढ़ रहे हैं तो संधि के नियम के अनुसार चलेंगे, तो संधि का नियम क्या कह रहे हैं कि परिभाषा बोल रही है कि वर्णों का संयोजन होने के बाद, उनको मिलाने के बाद उसमें एक नयापन आता है जिसको हम विकार बोलते हैं, तो यहां पर भी एक नयापन आया है जो बना ग, और इस तरह एक क इसमें परिवर्तित हो गया और यहां से लिए थे अ, तो क जोर अ बराबर ग, तो जी हाँ हमने ए ग बना लिया और इस तरह ए यहां पर पूरा हो गया। अब देखिए ये भी वही है और यह भी वही है, अतः ये दोनों तरफ आपके हिसाब से दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों समतुल्य है, इसलिए ये दोनों सही है समीकरण के नियम से। आगे ध्यान देंगे अगला जो है ए क जोर ग बराबर ग। अब आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा कि सर यहां पर ग पूरा लिखा हुआ है तो यहां ग आधा क्यों है, तो ध्यान देंगे ग इसलिए यहां पर आधा है क्योंकि यह जो है सो की आधा तो है ही और ए स्वयं में स्वर वर्ण अकेले रखे हुए है और ये स्वयं को अकेला करके इसको दे नहीं सकता है क्योंकि यदि इसको देता है तो खुद आधा हो जाएगा, और आप ध्यान देंगे कि कोई भी नहीं चाहेगा कि हम अपूर्ण हो और उसे पूर्ण कर दें, और कर भी नहीं सकता है क्योंकि जब उच्चारण करेंगे तो स्वर बाद में आना चाहिए, पहले नहीं, आप जब भी उच्चारण करते क तो अ बोलते हैं बाद में, यानी बाद में कोई सहारा देने वाला होना चाहिए, तो ग इसको दे करके भी चाह करके भी इसे दे नहीं सकता है,
तो इस तरह यह ग क जो है यहां पर ध्यान देंगे, ई ग नहीं है यहां पर, यह जो ग आप देख रहे हैं तो एक ग नहीं है, एक ग तो अपने आप में पूर्ण है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन इसके साथ मिलने के कारण इसमें परिवर्तन सिर्फ हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन सिर्फ इसमें हुआ है, इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहां पर ग बना। अब इसको देखेंगे कैसे, तो यहां पर क्या किया कि क जो सो कि खत्म हो गया और यहां इस ग से ले लिए, तो क और ग मिलकर के बनता है आधा ग, और इस तरह यह आधा ग। अब आप देख सकते हैं लिखने का तरीका ही, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, नहीं तो ग लिख करके हलन्त भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह यह ग, आप पहले से ही गज ध्यान देंगे, गज था तो गज्यों का त्यों आ गया, यहां भी लिखी गज्य का त्यों, क सिर्फ ग में बदल गया, और इस तरह दिक जो गज दिग्गज। अब ध्यान देंगे यहां पर आती है बात विसर्ग की, विसर्ग में म मिलाते हैं, नियमानुसार विसर्ग जब म से मिलता है तो विसर्ग स्वयं र में परिवर्तित हो जाता है, विसर्ग स्वयं र में परिवर्तित हो जाता है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव सिर्फ इस पर पड़ता है, और इस तरह यह र में ध्यान देंगे यहां हलंत दिया हुआ है, विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है, और इस आधार पर हम देखें तो विसर्ग निह जो मल निर्मल, अब यहां भी विसर्ग क्या होता है चला जाता है, और विसर्ग के नियम अनुसार हम र यहां पर लगा देते हैं। अब कहेंगे सर इसमें ऊपर है इसमें नीचे है, तो आप इसको जब हम वर्ण में पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको दिखलाए थे कि कब हम कैसे इसके बारे में, तो र यदि हलंत से लिखते हैं तो आगे रहता है, और यदि हलंत को हटा करके हम ऊपर ले जाएंगे तो ठीक बाद वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है, और यही नियम इसमें अपनाया गया है कि यह र हलंत न लिख करके ऊपर ले लिया गया है। अब आपको बता दूं कि संधि में हमने जो देखा उस स्थिति के अनुसार तीन स्थिति आई है, ध्यान दीजिएगा इसमें तीन स्थिति आई है, और वो स्थिति है पहला दोनों तरफ स्वर है, दूसरा एक तरफ व्यंजन है तो दूसरे तरफ स्वर है, एक तरफ व्यंजन है तो दूसरे तरफ स्वर है, फिर यहां विसर्ग है। अब कहेंगे सर तो इसमें तो स्वर आया और इसमें व्यंजन आया, फिर यहां विसर्ग है तो यहां ये आया, तो ध्यान देंगे पहला परिवर्तन जो देखा जा गया है इसमें ये पहले वाले के यानी पहले वाले वर्ण में परिवर्तन होता है, उसके आधार पर हम जब देखते हैं तो तीन स्थिति उत्पन्न होती है, पहला स्वर की, दूसरा व्यंजन की, और तीसरा विसर्ग की, और तीन स्थिति होने के कारण ही संधि को भी तीन भागों में विभाजित किया गया है। संधि को भी ध्यान देंगे पीछे, संधि को भी क्या किया गया तीन भागों में विभाजित किया गया अलग अलग, ताकि हम अच्छी तरह से पढ़ सके, और इस तरह संधि के भी तीन भेद हो गए, और वो तीन भेद आप जान ले, संधि के तीन भेद हैं कौन कौन, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग विसर्ग संधि। ये तीनों की जानकारी हम
अगली बार देंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।